धमाल पिक्चर का। अभी भी तुमको दुबई लेकर जाती, वहाँ रेगिस्तान में घुमाती। अभी क्या है गाइस, मेरे को क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हेलो फ्रॉम काठमांडू। और सुबह के अभी बज रहे हैं 9, जो कि बहुत जल्दी है, मेरे लिए तो बहुत जल्दी है गाइस। हाँ, और अभी जो है मैं कुछ खा लेता हूँ गाइस, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, आके रखा हुआ है, खा के मिलता। और रूम में चश्मा कौन लगाता है? मैं लगाता हूँ, मेरी आँखें लाल हैं इसीलिए चश्मा लगा के बात कर रहा हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड। और ये रहा मेरा छोला भटूरा गाइस, आई लव छोला भटूरा, खा के मिलता हूँ फटाक से। सो गाइस, अभी मैं दबा के एकदम खा वा के एकदम पेट फुल हो चुका है, और अभी हम लोगों को निकलना है एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि कोई आने वाला है। पहले उनको आने दो, फिर आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कौन है वो, ठीक है? तो चलो फटाफट। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ बस स्टॉप की तरफ, ये है यहाँ का बस स्टॉप। यहाँ पे हम लोग टैक्सी ढूंढ रहे हैं, तो जाना है एयरपोर्ट। और मैं चश्मा लगा लेता हूँ, चश्मा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ऊपर, है ना, ये शाहरुख खान वाला चश्मा। और बहुत लोगों का गाइस सवाल होगा कि मैं एयरफोन बार बार क्यों लगाए रहता हूँ। एयरफोन लगाने का रीज़न यही है गाइस कि वॉइस मेरा क्लियर आएगा, बैकग्राउंड नॉइज़ उतना नहीं आएगा, सही है। चलो, और गाइस ये रहा मैं, ब्लैक ब्लैक चश्मा, ब्लैक ब्लैक मास्क। इरफान भैया, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन 16-17 किलोमीटर है। 16-17 किलोमीटर है। और ये हमारे भैया ये टैक्सी चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा। 10 किलोमीटर है गाइस, 16-17 नहीं, सॉरी 10 किलोमीटर। यहाँ पे गाइस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रुके हैं दूर तक। और गाइस हम लोग एयरपोर्ट पे तो पहुंच चुके हैं, और अभी क्या है कि मेरा भाई जो है अंदर ही है, अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, जब आएंगे तब आपको उनसे मिलवाएंगे। और घूम रहे हैं इधर से उधर। ये वाला जो एयरपोर्ट है ये डोमेस्टिक है, और ये हमारे सामने डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, आपको दिखाते हैं एक मिनट उधर से। और ये यहाँ का पार्किंग लॉट है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी। हमारे ACP शमसुद्दीन कुछ बोल दो सर। एक्चुअली इनको लोग ACP बोलते हैं, ACP शमसुद्दीन प्यार से, तो आप लोग भी बोलिएगा कमेंट में, ओके? ये ज़्यादा बोलते नहीं, बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो मत लो, फोटो मत कीजिए, इस टाइम कर दो ACP। हाँ, ये सेलिब्रिटी बनते हैं भाई, इनका फ़ोटो मत खींचो, इनका वीडियो मत बनाओ, और फेसबुक पर तो डालना ही नहीं है। तो घूमने क्या करने आए हो भाई? अभी भी इधर दुबई का भी जहाज होती, अभी भी हमारे साथ चलती दुबई, तुमको ऊँट पे बैठा के रेगिस्तान में घुमाती, वहीं छोड़ के तुमको अकेले चली जाती है। मैं इधर एक आ रही है, इधर एक जा रही है, इधर गई एक, इधर वो गई है। वैसे गाइस जब मैं छोटा था तब सोचता था कि फ़्लाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन गाइस ये लिटरली बहुत बड़ी होती है, घर से भी बड़ी होती है। और ये मेरा वहम था, सबका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? गाइस ये ATC टावर है, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर है, यहाँ से सारी फ्लाइट से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं सब। और ये किसी मूवी का सीन आपको याद आ रहा होगा, वो धमाल पिक्चर का। हेलो, अभी भी तुमको दुबई लेकर जाती, वहाँ रेगिस्तान में घुमाती, चलती हमारे साथ ऊँट पे बैठा के रेगिस्तान में, तुमको छोड़ के हम अकेले चली जाती इधर,
और ये जो गाइस आपको पीछे दिख रहा है एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट है, और ये जो आपको पीछे मैंने दिखाया ये डोमेस्टिक है। यहाँ पे दो दो एयरपोर्ट यहीं पे हैं और इधर से फ्लाइटें आती जाती रहती हैं, तो वही देख रहे हैं हम लोग। जब तक मेरा भाई आ रहा है तब तक वेट कर रहे हैं यहीं पर। और क्या, ये पार्किंग लॉट है, यहाँ पर देखो सेल्फियाँ चल रही हैं, आते ही बस फ़ोन निकाल लेते हैं। सो गाइज, अंदर से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पेपर वर्क होता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और हम इधर उधर घूम रहे हैं, सब वेटिंग कर रहे हैं, आने के बाद दिखाएंगे। वो एक्चुअली उनको देखोगे तो मेरे जुड़वा हैं, जुड़वा, हाँ जुड़वा। फ्लाइट की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है, इसे बादल गरज रहे हैं, गड़ 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 गड़। Love is love. Love is love. Adios. अभी क्या है, चाय तो मिलेगा नहीं, इसीलिए कॉफ़ी से ही काम चला लेते हैं गाइस। वैसे कॉफ़ी कितने का दिया है एयरपोर्ट के अंदर? हम लोग ₹200 का भाई, कितना चाय आ जाता मेरा यार। खैर ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चाय नहीं तो यही सही। और गाइस ये जो पहले पीछे हुआ करता था ट्रैवल पॉइंट, और ये आगे अभी नीचे आ चुका है क्या, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए अभी गाइस ये नीचे हो चुका है, पहले इधर ही था, अभी जगह चेंज हो चुका है। तभी तो तब से हम लोग सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट इतना खाली क्यों है भाई साहब। हम लोग सोच रहे थे, देख रहे हैं कि एयरपोर्ट खाली है, एयरपोर्ट खाली है क्यों, कोरोना की वजह से हो सकता है। अरे पब्लिक तो पूरी इधर है। ये जा रही है इंटरनेशनल फ्लाइट, अभी भी कभी हम भी दुबई जाती इसी फ्लाइट से, यहीं से जाती, ऊँट पे बैठ के दुबई में उले उले करती। गाइस तो क्या है कि मेरा चश्मा हो गया ढीला, यहाँ से स्क्रू जो है ढीला हो गया, ऐसे पहनता हूँ नीचे आ जाता है। और गाइस ये मेरा चश्मा दो बार गिरते गिरते बचा, मैं क्या करूँ इसका समझ में नहीं आ रहा, ऐसे टेढ़ा हो गया, देखो ध्यान से टेढ़ा हो गया ये, पता नहीं कैसे बैग में रखने से कि क्या, मतलब टेढ़ा हो गया यार, क्या बताऊँ, बहुत ही तकलीफ हुई। अभी इसका इलाज मैं खुद करूँगा, मेरे को इसके लिए घर जाना पड़ेगा, अब घर जाऊँगा तो इसका इलाज करूँगा, ऐसे काम चला लूँ फिलहाल के लिए। अभी मैं ऐसे लटका लेता हूँ यार, बार बार गिर रहा, अभी हो जाएगा इधर उधर तो बहुत तकलीफ होगा। ये रहा, अस्सलाम वालेकुम हबीबी। अभी गाइस मैं आपको अपना जुड़वा दिखाता हूँ, अभी मास्क हटा के, अभी कहोगे आप लोग जुड़वा दोनों, एकदम सेम टू सेम, ओके रेडी रहना। कसम से गाइस बता रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ पे छोड़ने आया था, एयरपोर्ट पे था, आँखों में आंसू था, आज इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊँ, होता है यार, मतलब बहुत खुश हूँ आज मैं। हबीबी शेख मुदीर, सलाम अलैकुम। तो परेशान हो गए मेरे भैया, कहने का मतलब ये है तुमने एक डेढ़ घंटे से, तो अपना जरा चेहरा दिखाइए, जुड़वा दिखाते हैं, जुड़वा, मेरी दाढ़ी थोड़ी सी छोटी है। तो कैसा रहा सफर? मस्त, अच्छा लगा? यस, चलो ठीक। कतर एयरवेज की सर्विस के बारे में कुछ बता सकते? वेरी वेरी स्पीचलेस। दो शब्द बता दो फिर, दो ही शब्द, वेरी गुड। अभी क्या है गाइस, मेरे को क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। अब बोलिए, दिस आईफोन आई ब्रिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच, या स्पेशली फॉर यू। और अभी क्या है ना गाइस कि ये रहा वाइड एंगल, इसी की मैं बात कर रहा था, देखिए वाइड वाइड पूरा चारों तरफ दिखता है इसमें, अभी मजा आएगा ना भीड़ू। We'll be right back.
गाइस अभी क्या है, हम लोग जामा मस्जिद पे फिर से आए हैं खाने, क्योंकि यहाँ ही सबसे टेस्टी खाना मिलता है। और आज मेरे को बिरयानी खाना ही, रात में नहीं मिला, आज मुझे खाना। यहाँ के बारे में कुछ बताओ। अब यहाँ के बारे में क्या बताएं, ये जामा मस्जिद हमारे बगल में है और यहाँ पे बहुत पुराना मस्जिद है ये। यहाँ पे काफ़ी लोग नमाज नमाज पढ़ने आते हैं और यहाँ पे पराठा वराठा हम लोग बहुत अच्छा रात में लगा था, तो इससे हम लोग यहीं पे वापस आ चुके हैं खाने। मज़ा ही आ जाता है, मतलब एक नंबर। और ये हमारा कलेजा आ चुका है, जैसे हमारा कहना ये है कि जब रत्ना पार्क साइड में आइए तो ये जामा मस्जिद के बगल में मुस्लिम होटल है, मजा आ जाता भाई कलेजी खाने में। हमको कुछ नहीं चाहिए, अपना खा के रिएक्शन दो। और बिरयानी बस यही एक सहारा भाई, भूख लगी थी बहुत तेज, और भैया ले टूट पड़ो, मजा आ गया, खा लिया भाई। और बिरयानी में फिर नहीं खाया बिरयानी, पता नहीं क्या हो जाता है किस्मत में, शायद अभी नहीं। वो एक्चुअली क्या, जैसे वहाँ पे पहुँचता हूँ उससे पहले फर्स्ट टाइम पे क्या मंगाते हो, क्या होता है वो पता नहीं, तास है कि क्या है, मतलब वही मंगा लेते हैं, उस वो खा लेता हूँ, पेट भर जाता है, उसके बाद बिरयानी खाने का मन ही नहीं करता, बट खाऊँगा प्रॉमिस। So guys, जो था यहीं तक था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना प्लीज। नेक्स्ट ब्लॉग में आना। So guys, अभी क्या है, फाइनली हम लोग एकदम ऊपर पहुंच गए हैं टॉप पे। ये रहा एकदम, यहाँ से दिख रहा है गाइज माउंट एवरेस्ट।